हे गाइस, एसके शो टाइम के सबसे पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ पोकेमॉन द मूवी आई चूज यू का। तो बहुत सारे पोके फैंस ने अभी तक ये मूवी नहीं देखी होगी क्योंकि एग्ज़ाम्स आ गए थे, और इस वीडियो को मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जिन्होंने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है। लेकिन वीडियो बिल्कुल ही स्पॉयलर फ्री होने वाली है, तो स्पॉयलर्स की चिंता मत करना। वीडियो एंड तक देखना पूरा रिव्यू अच्छी तरीके से समझने के लिए। और वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि इस मूवी को आप लीगली कहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम मूवी की स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बेसिक है। ये बस एश और पिकाचू के कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी है कि आखिर वो कैसे जर्नी पे निकलते हैं। और जर्नी के अलॉन्ग उन्हें एक होपो का विंग मिलता है जो कि एक रेनबो विंग होता है, जिससे उन्हें कहीं पे ले जाना होता है ताकि वो होपो जो कि एक लेजेंडरी पोकेमॉन है उससे पोकेमॉन बैटल कर सके। तो स्टोरी तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट ये चीज़ है कि एश की ओरिजिन एनिमे में और यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे वो ब्रॉक और मिस्ट्री से नहीं बल्कि कोई और ही कैरेक्टर से एनकाउंटर होता है। और जो चारमेंडर का ट्रेनर है जो कि ओरिजिनल एनीमे में बस ऐसे ही दिखाकर चला गया था, वो यहाँ पे एश के एक राइवल की तरह दिखाया गया है। और इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल भी है पूरी मूवी के अंदर। तो मतलब मूवी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है जो एनीमे में ओरिजिन था उससे। लेकिन अब हम बात करते हैं मूवी के पॉजिटिव्स की, और उसके बाद हम बात करेंगे मूवी के नेगेटिव्स की। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मूवी की जो एनिमेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब एनिमेशन क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, वो तो ऑफकोर्स अच्छी होगी, मैं बात कर रहा हूँ आर्ट स्टाइल की। क्योंकि जो रीसेंट एनिमे आया है, यानी कि जर्नीज ले लो या फिर उसके बाद जो अप्रैल के अंदर से स्कारलेट एंड वॉयलेट का एनिमे स्टार्ट होने वाला है, वो सब के सब बहुत ही वियर्ड और अलग से, मतलब वियर्ड तो नहीं लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट से एनिमेशन के साथ जाते हैं, जो कि पोकेमॉन जैसा मुझे तो फील नहीं होता। लेकिन इस मूवी के अंदर जो एनिमेशन है उसको ओरिजिनल एनिमे की तरह ही रखा गया है, बस उसको बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का कर दिया गया है। मतलब अभी अभी बनी है तो फिर अच्छी क्वालिटी का तो होगा ही। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट के बारे में। तो ये मूवी जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। मतलब एक्चुअल में पोकेमॉन फैंस को ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लगेगी। जैसे कि डोरेमॉन की स्टैंड बाय मी ले लो आप, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मूवी थी डोरेमॉन फैंस के लिए। लेकिन ये मूवी पोकेमॉन फैंस के लिए उतनी ही ज़्यादा इमोशनल होगी। और इस मूवी के अंदर एश और पिकाचू का जो बॉन्ड दिखाया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और फिर जो फाइनल पॉजिटिव चीज़ आती है वो है इस मूवी का काइंड ऑफ जो विलन कह सकते हो, जो कि एक और पोकेमॉन ही है जो कि स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं लगता। उसका नाम है मार्शैडो, ज़्यादा नहीं बताऊँगा अभी उसके बारे में। लेकिन उसने जो किया था एश और पिकाचू के साथ, मतलब जो एश को उसने सपने दिखाए थे जिससे वो रियल वर्ल्ड में, लाइक उसको सपने आए थे कि वो रियल वर्ल्ड में है, वो बहुत ही ज़्यादा स्केरी था। और ये विलन काफ़ी ज़्यादा डरावना है, लेकिन उतने भी अच्छे तरीके से इसको दिखाया नहीं गया है। तो अब सीधा नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इस मूवी में जितने पॉजिटिव्स हैं उतने ही या फिर उससे थोड़े ज़्यादा नेगेटिव्स हैं, जिस वजह से मूवी ठीक ठाक ही लगेगी आप लोगों को। तो सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। मूवी के अंदर जो साइड कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल ही अच्छी तरीके से नहीं दिखाए गए हैं। मतलब जैसे कि जो मैं तो नाम भी भूल गया जो दो कैरेक्टर्स और दिखाए थे एश के साथ, मूवी बस एश, पिकाचू और वो जो चारमेंडर का ट्रेनर था बस उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करती है। और बाकी जो कैरेक्टर्स हैं जैसे कि वो बुड्ढा वाला जो उनको मिला था जर्नी पे, और जो दो और कैरेक्टर्स मिले थे, वो किसी काम के ही नहीं हैं और बस ऐसे ही जर्नी पे निकल पड़े हैं। और मतलब उनका कोई भी काम ही नहीं है मूवी में, उनको मूवी से निकाल भी दोगे तो भी कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट जो नेगेटिव पॉइंट है उसके शायद से बहुत ज़्यादा लोग एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मेरे ओपिनियन में मूवी को बहुत ही पैक्ड रखा गया और कुछ ज़्यादा ही छोटी कर दी गई। मतलब ये जिस टाइप की जर्नी लग रही थी, मतलब ट्रेलर्स के हिसाब से जैसा एक्सपेक्टेशंस था, उस पर इसलिए नहीं खड़ी हुई क्योंकि किसी भी कैरेक्टर को टाइम नहीं दिया गया और मूवी को बहुत ही छोटा रखा गया है। ये मूवी आराम से 2 घंटे की हो सकती थी लेकिन इसको 1.5 घंटे का रखा गया है, जो कि जिन लोगों के पास कम टाइम है मूवी देखने के लिए उनके लिए सही है, लेकिन उनको पूरा लाइक मज़ा इस मूवी में नहीं मिलेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट पे। तो नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट जो है वो सारे पोकेमॉन फैंस को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट करेगा, क्योंकि
मूवी के अंदर टीम रॉकेट का कोई रोल ही नहीं है, मतलब जो भी लोग नॉस्टैल्जिक हैं टीम रॉकेट के लिए जैसे कि मैं, तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा मूवी में, क्योंकि टीम रॉकेट को हर बार एक छोटा मोटा सा कॉमिक रिलीफ का रोल दे दिया जाता था, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इसके अंदर टीम रॉकेट बस ऐसे ही आती है और चली जाती है, और मतलब ऐसा ही होता है वैसे तो हर मूवी में, लेकिन बहुत ही कम, मुश्किल से एक मिनट का स्क्रीन टाइम मिला होगा टीम रॉकेट को। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी कि जो फाइनल बैटल था, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है बाय द वे, जो फाइनल बैटल था वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और जब पिकाचू लाइक बात करने लगा था आप सबको भी पता ही होगा। लेकिन अब हम फाइनल रेटिंग पे आते हैं इस मूवी की, तो मैं इस मूवी को रेट करूँगा 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स, जो कि काफ़ी कम लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं इसको 2 स्टार्स भी रेट कर सकता, तो मैं कह रहा था कि मैं इस मूवी को 2 स्टार्स भी रेट कर सकता था, लेकिन मैं पोकेमॉन के लिए काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हूँ, और इस मूवी में जितना इमोशन दिखाया गया उसी से मैं खुश हो गया बेसिकली। तो अब बात करते हैं कि आपको ये मूवी देखने को कहाँ पे मिलेगी। तो आप इस मूवी को लीगली देख सकते हो, तो आप लोग इस मूवी को लीगली देख सकते हो वूट किड्स पे, उसका सब्सक्रिप्शन लेकर, और इस मूवी का हिंदी डब भी अवेलेबल है। मैंने इसको इंग्लिश डब में देखा था, जबकि अभी भी टीवी पे प्रीमियर हो चुका है इसका, अब कोई रिपीट टेलीकास्ट है तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप इसको वूट किड्स पे भी देख सकते हो। और हिंदी डब मैंने अभी चेकआउट किया था, वो अच्छा है, लेकिन जो हिंदी टाइटल रखा है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है, बट कोई बात नहीं, अगर आपको इस मूवी को देखना है तो आप इसको वूट किड्स पे देख सकते हो। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए और इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ चाहिए तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, और साथ में कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो का स्टाइल लाइक कैसा लगा, क्योंकि पहली वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने चैनल पे, और जो नए आइडियाज़ हैं वीडियोज़ के लिए वो भी सजेस्ट करना। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।